जहाँ तक हमने आज बात की, देर इज अ कंपनी कॉल्ड रेंट ट्रैक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ऑफिशियली डिस्क्लोज फिगर्स टू यू एवरी नाइट रादर देन स्पेक्यूलेशन जो हमारे यहाँ होता है, जहाँ पे हम अपना सीना ठोक के बोलते हैं हमने हमारी पिक्चर ने इतना पैसा किया, जो मुझे लगता है गलत है बिकॉज एक अनबायस्ड सोर्स और ओपिनियन होना चाहिए ये नंबर्स को लेके. आजकल भाग दौड़ बन गई है नंबर्स को लेके, जो बहुत सैड है वैसे, पर अगर करना ही है तो ऑफिशियली होना चाहिए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, क्लीन हो सके. तो उस चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि आज अगर हमें ये सब इन्फॉर्मेशन मिले एक सोर्स के द्वारा, तो हमें पता लगेगा हमारी पिक्चर कहाँ पे ज़्यादा बिजनेस करती है, किस तरह के थिएटर्स में चल रही है, कितना बिजनेस से राजस्थान में होता है तो कितना पंजाब में होता है. अगर हमें पता करना है कि हमारी मार्केट साउथ में कितनी अच्छी हुई है, तो एज एन एक्टर आपको अपनी औकात भी पता लगती है, एज अ प्रोड्यूसर आपको फिल्म की औकात पता लगती है, एज अ डायरेक्टर यू अंडरस्टैंड ओके द डायस्पोरा इज सो ह्यूज, शायद जो आपको पसंद आए इस यहाँ पे मुंबई शहर में वो शायद गुजरात में उतना ना चले. एंड इट्स वेरी फेयर बिकॉज सेंसिबिलिटीज हर जगह की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर जगह के सोच विचार अलग होते हैं. सिनेमा गोइंग सेंसिबिलिटीज जिस पे आप बड़े होते हैं वो अलग होती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल दैट यू आर केटरिंग टू. आई थिंक रेंट ट्रैक कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंसिस मच बेटर, विच इज़ जो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए एज एन एक्टर, एज समबडी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, सबसे अहम है. हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए. वी माइट इन्जॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, पर इवेंचुअली हम सब तक पहुंचना चाहते हैं, हर ऑडियंस मेंबर तक पहुंचना चाहते हैं. दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड हम कहां तक पहुंचे और कहां तक जा सकते हैं. तेवर के ट्रेलर को नहीं किया मैंने, तेवर के पोस्टर को मैंने अपलोड किया था. उसकी खास वजह यही थी कि मैं पहली बार जब ट्विटर पे आया था, मुझे थोड़ा डर सा था कि इंटरेक्शन कैसी होगी तभी, पर अब मुझे मज़ा आता है ट्विटर पे. मैंने सोचा ये शायद ऐसी पिक्चर है जहाँ पे आई वुड लाइक टू नो द फीडबैक इमीडिएटली फ्रॉम ऑडियंसेस, ना कि वेट करे कि तीन चार दिन बाद क्या पता लगे. और जिनके लिए पिक्चर बनाते हैं उनको पहले दिखाना चाहिए. आई थिंक फिल्म फेस्टिवल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कम एंड डिस्कस योर लव एंड पैशन फॉर सिनेमा, यू गेट टू वॉच ग्रेट सिनेमा, यू गेट टू वॉच फिल्म्स दैट मे बी डोंट काइंड ऑफ गेट अ बिग रिलीज नॉर्मली, लाइक मॉमी फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज प्लेड हियर यस्टरडे, डे बिफोर आई थिंक. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट बैलेंस बिटवीन सेलिब्रेटिंग आवर काइंड ऑफ सिनेमा एंड अलाउिंग न्यू सिनेमा ऑल्सो अ प्लेस. इट्स अ ग्रेट प्लेस टू मीट पीपल ऑल्सो. आई मीन I get to meet you all, but beyond that, I would look forward to come here and just interact with people and discuss cinema. Like, I found it really interesting. There were some kids in there who want to be directors, who want to be cinematographers. To give them at least a conversation, give them that 5-7-10 minutes to chat. I hope it continues, and I hope the funding comes back into place to make it a celebratory festival rather than something where we are trying to push the point across that we need it. We deserve it as a city. We have to, if we are Mumbai, that is the fulcrum of the Hindi film industry, that has to, this is the least that we can provide, is a platform for all kinds of cinema to come into our country and feel welcome.